गुड मॉर्निंग। अगला टॉपिक है घनों का योग ज्ञात करना। तो हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे घनों का योग ज्ञात करना। घनों का योग ज्ञात करना, ये आपका अगला टॉपिक है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे पूछ लिया जाए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 10 क्यूब का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अब वो लोग क्या करेंगे, 10 का क्यूब करें 9 का क्यूब करें फिर ऐड करें, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको देखना लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 है। और ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में ही पढ़ा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 10, तो इसको लिखेंगे 10 और 10 के बाद क्या आता है 11, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 और बटे में क्या करेंगे 2 और उसके बाद पूरे का क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 5, 11 5 55 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर का भी ट्रिक होता है, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 और 5 के बाद अगली गिनती क्या आती है 6, तो 5 6 30 यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब का योग क्या होगा 3025, यही आपका क्या है आंसर है। किसी को पूछना है इसके नीचे नोट लिख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। विषम का कोई ट्रिक नहीं है, विषम का ट्रिक नहीं, बस करना पड़ेगा आपको। हाँ सम का है, सम में कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। जैसे कि पूछ लिया जाए 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 10 का क्यूब ये कह दिया जाए और का योग क्या होगा, क्या होगा इसका योग, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करके कॉमन इसमें कुछ लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, जैसे यहां लिख क्या सकते हैं 1 × 2 का क्यूब योग कह रहा है यानी प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 2 × 2 का क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 का क्यूब प्लस डैश डैश। देखिए 10 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 × 5 का क्यूब। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पावर में लिखा हुआ है 3, हर जगह पावर में 3 है, तो जब इसके ऊपर लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब × 2 का क्यूब अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पर 2 का क्यूब × 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब × 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 2 का क्यूब × 5 का क्यूब। अब यहाँ पर 2 का क्यूब सब जगहों से कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और 2 का क्यूब होता कितना है, 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पर क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश 5 का क्यूब और उसके बाद क्या करेंगे 8 और फिर यहाँ पर हम लोग अपना रूल लगाएंगे। ये क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो इसको क्या लिखेंगे 5 × 6/2 और इसका होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना 8, इधर लिख दे रहे हैं ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 और 5 × 3 = 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। और नहीं तो हम लोग कर लेंगे, कैसे करेंगे 15 का स्क्वायर देखिए 5 × 25 और उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, 1 × 2 = 2 वही 225 और फिर इसको इससे गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 8 × 2 = 16 4 = 20 और 8 × 2 = 16 और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 = 18 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया।
तो हम लोग सम संख्या भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कर सकते हैं। विषम संख्या का कोई ट्रिक नहीं है, विषम संख्या जब भी आएगा तो हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया।